तो भाई बेस और टॉप मॉडल को छोड़ो, ये वाला मॉडल लो, कौन सा क्रेटा का एस ऑप्शनल 2024 मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स निकल के आते क्रेटा में, अब के वेरिएंट्स में जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं। 18.5 लाख में मैनुअल गाड़ी आपको टिच मिल रही है, ना तो बेस ना तो टॉप, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CG04 कार्स। क्या बीस्ट लग रही यार दोस्तों। पहले जैसे आपको Hyundai में क्रेटा में नाइट एडिशन करके मिलता था, वो वाला वेरिएंट अब बंद हो चुका है। इसी में अब एस ऑप्शनल करके ये वाला वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे इस वीडियो में आपको कवर अप करके बताऊंगा। सबसे पहले गाड़ी जो है ना तो टॉप का होता है ना तो बेस का होता है, ये गाड़ी जो है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स निकल के आते क्रेटा में, अब के वेरिएंट्स में जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलने वाला है क्वाड LED, यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं और पियानो ब्लैक में पूरा टॉप मॉडल वाला ग्रिल मिलने वाला है। स्किड प्लेट की बात करें वही फ्रंट से पूरा आपको टॉप मॉडल लगेगा। यहाँ पे आपको DRL की बात करें तो सेम आपको टॉप मॉडल वाले DRLs मिलने वाले। बस फ्रंट से आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, 360° कैमरा आपको नहीं दिया गया है, एडास नहीं दिया गया, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं दिया गया, फ्रंट सेंसर आपको नहीं मिलेगा। बस बाकी सारा का सारा आपको टॉप मॉडल वाला फ्रंट लुक मिलने वाला है। गाड़ी के प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी का पेट्रोल में जाएंगे तो आप 16-16.5 लाख के अंदर यह गाड़ी आपको पड़ जाएगी, जबकि डीजल में जाएंगे तो आपको पड़ जाएगा 18 लाख। मैनुअल की बात करूँ ऑटोमेटिक में जाएंगे तो 20-21 लाख का इस वाला ऑटोमेटिक वेरियंट में आपको पड़ने वाला है। सबसे पहले गाड़ी का हमने देखा फ्रंट लुक, साइड लुक की और आया तो भाई टॉप मॉडल वाले सेम टायर साइज मिलेंगे बट अलॉय व्हील जो आपको डिफरेंट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको साइज की बात करें 215/60/R17 सेम आपको टॉप मॉडल में जो साइज मिलता है वही मिलेगा। फ्रंट में डिस्क मिलने वाला है और रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको सेम वही डिस्क ब्रेक मिलने वाले, मतलब फोर व्हील यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। इस गाड़ी में आपको लेते ही भाई वो फ्लिप क्लिप वाला टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर तरीके से क्या रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। ठीक, पहले इसको बंद कर देते हैं ताकि बैटरी वगैरह जो है डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है, हमने किया बंद। अब आती है गाड़ी की ORVM की बात। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल सब कुछ सिस्टम दिया गया है, मतलब आपको कोई भी झंझट लेने वाला दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको रूफ रेल जो है प्रॉपर सिल्वर में मिलने वाले हैं और इस वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। जैसे कि आपको पता है EX और S ऑप्शनल में ये वेरिएंट आता है, तो ये वेरिएंट में ये बाहर से आपको ऐसा कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। गाड़ी का साइड लुक हमने देखा, अब आते हैं रियर लुक की ओर। रियर लुक जैसे अपन चलें तो ये आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या मजा आएगा रियर लुक जाने से। यहाँ पे आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप मिलने वाले हैं सिक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ, और ऐसे कुछ आपको रियर लुक मिलने वाला है। रिवर्स कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको जरूर से प्रोवाइड किया गया नंबर प्लेट में हेलोजन बल्ब मिलेंगे, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट यहाँ पे आपको LED क्या नंबर प्लेट लैम्प मिल जाता तो और भी चार चांद लग जाते हैं। Hyundai का लोगो, क्रेटा की बैजिंग, यहाँ पे कोई भी वेरिएंट के यहाँ पे आपको बैजिंग नहीं मिलेगा। वाइपर डिफॉगर जरूर से मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप और स्पॉयलर यहाँ पे आपको दिया गया है। पियानो ब्लैक में शार्क फिन एंटीना जरूर से आपको मिल जाएगा। गाड़ी का हमने देखा क्या रियर लुक, और रिवर्स लैंप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सेंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस यहाँ पे आपको बढ़िया सा एडिशन मिल जाता है विथ पार्सल ट्रे मिलेगा, बट यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील की बात करें 1 इंच कम मिलने वाला है, 16 इंच का यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। ठीक, 60-40 स्प्लिट, और यहाँ पे आपको लिफ्टिंग के लिए KG का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। बूट लैंप भी हेलोजन दिया गया, इसको आप आफ्टर मार्केट चेंज करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं अगर आपको चाहिए तो, बाकी नीड नहीं पड़ती है। ये गाड़ी हो चुका है लॉक, देखिए ऐसा कुछ ORVM जो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हो जाएगा। अपन खोलते हैं ये फ्यूल टैंक को, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 45 लीटर का पेट्रोल चाहे वो डीजल हो फ्यूल टैंक मिलेगा, 20 लीटर का DF को यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये डीजल है। 1.5 लीटर CRDI प्रोड्यूस करता है 144 BHP और 250 Nm तक का टॉर्क आपको निकाल के देता है। क्रेटा 1.5 क्रेटा S ऑप्शनल डीजल में आप जाएंगे तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। हालांकि डीजल इंजन तो सबसे ही है, लेकिन फीचर्स की जैसे मैंने बताया 18.5 लाख में मैनुअल गाड़ी आपको टिच मिल रही है, ना तो बेस ना तो टॉप, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। चलिए अब अंदर की ओर चले तो यहाँ पे आपको मैंने बताया रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच तो नहीं मिलेगा लेकिन फीचर्स सारे आपको मिलने वाले हैं। क्या क्या मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। चाबी को हमने रखा यहाँ पे, पावर विंडोज सब यहाँ पे मिलेगा, ORVM कंट्रोल्स यहाँ पे,
सिल्वर टोन में ये आपको दिया गया है क्या डोर ओपनर। हाइट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट मिलेगा, लेकिन फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री मिलेगा। लेदरेट कोई भी नहीं दिया गया है, ना तो लेदरेट ना तो फैब्रिक, बस फैब्रिक आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलैम्प के लेवलिंग कंट्रोल सब कुछ दिए गए हैं। अब इसका थोड़ा सा इग्निशन ऑन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, सब कुछ पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का। और इस गाड़ी में आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ, एक सेकंड दिखाओ, ये देखिए आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ, और इसका मज़ा जो आप ले सकते हैं इस वाले वेरिएंट में, क्योंकि ये एस ऑप्शनल है, तो एस ऑप्शनल में आपको ये चीज़ मिल रहा है। और यहाँ पे आपको केबिन लैंप की बात करें, वो भी एलईडी प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सनग्लास होल्डर देखा हमने। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट ही मिलेगा और टेलीस्कोपिक दोनों दिया गया है इस वेरिएंट में, ठीक। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको दिया जाता है, वाइपर कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मीडिया कंट्रोल्स पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दिया जाता है, और क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है बढ़िया तरीके से। टीपीएमएस वगैरह सब कुछ तो मिलेगा ही, एबीएस एबीडी ईएसपी सब कुछ तो मिलता है। बेस वेरिएंट से इसमें आपको 6 एयरबैग प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में सेंटर कंसोल, और कोई भी वायरलेस चार्जर तो नहीं मिलेगा, बट टाइप सी यूएसबी सॉकेट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जरूर से दिया गया है। ये छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, आप फोन वगैरह रख सकते हैं, बट पूरा इजीली नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा। फोन वगैरह रखना है तो यहाँ पे आप छुपा के रख भी सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनुअल IRV मिलेगा, डे एंड नाइट वाला सिस्टम आपको दिया जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ सिस्टम चलता है इस 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम में। वॉइस कमांड का भी फीचर इसमें आपको दिया गया है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में क्रेटा एस ऑप्शंस में जरूर से दिया जाता है। भाई थोड़ा सा लिटिल महंगा हो चुका है, वेरिएंट्स अगर आपको माइंड मत करना, लेकिन फीचर्स भी उतने वैल्यू फॉर मनी दिए गए हैं इस वेरिएंट। टॉप एंड मॉडल तो भाई 25 लाख तक जा रहा है, तो उतना आप बजट लेके चल रहे तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन बाकी लोग का जो इतना बजट नहीं है तो ये मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात करें, 4 स्पीकर 2 ट्विटर के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, कोई भी सब वूफर का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पे आपको एंटी स्लिप डिस्क के साथ प्लेट दिया गया है, इजिली कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, और कूल ग्लव बॉक्स जरूर से मिल जाता है इस वेरिएंट में आपको, ठीक है। एस में जाएंगे तो आपको कोई भी अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलेगा, एस ऑप्शंस में जाएंगे तो ये सारे आपको फीचर्स बाहर बाहर से अंदर से भी आपको मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट जरूर से मिल जाता है, और ऐसा कुछ डीप स्पेस के साथ दिया गया है। कप होल्डर, हैंड ब्रेक और कुछ भी नहीं है फ्रंट से। रियर की ओर चले तो रियर में आपको मिलने वाला है सनग्लाइड, तो ये तो बेस मॉडल से मिलता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी ग्लास होल्डर या फिर बॉटल होल्डर और ऐसा कुछ दिया गया है, कोई भी बोस के स्पीकर तो यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। रियर स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा स्पेशल मिलता है इस इवेंट्स, दो टाइप सी सॉकेट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, 3-पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। पैनोरामिक सनरूफ का व्यू आप इस पीछे से बैठ के ले सकते हैं, और भी कोई दिक्कत नहीं, इसको रिक्लाइन करके एडजस्ट कर सकते हैं, या सीट्स को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने देखा गाड़ी का रियर से इंटीरियर, अब आती है मेन गाड़ी की आन बान और शान, और आपको दिखाने जा रहा हूँ 1.5 लीटर का डीजल इंजन CRDI जो कि प्रोड्यूस करता है 144 bhp और 250 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देता है। ABS, CVT, ESP सब कुछ सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंसुलेशन की इसमें आपको ज़रूरत मिलती है, पेट्रोल वाले इंजन में भले आपको नहीं मिलेगा। भाई ये थोड़ा सा डीजल इंजन है, भारी भरकम इंजन है, मज़ा आता है चलाने में मैनुअल डीजल की बात करें तो, ठीक है। इसको करते पहले बाद तो, ठीक है गाइस, ये रहा क्रेटा एस ऑप्शनल। कैसा लगा ये वाला वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी? मेरे हिसाब से तो सारे यूजेबल फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। क्या आप कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसी लगी ये वाली वेरिएंट। 18.5 लाख में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी। तो ठीक है गाइस, होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।